नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से डरे नहीं, इसका मुकाबला करें। आओ हम सब मिलकर कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं और कोरोना से लड़ते हैं। आइए, इसका फाइट हम सब जरूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम या बैठकर अपने देश की आन बान शान के लिए भी लोगों को जो है प्यार के साथ बांध रहे हैं। कोरोना महामारी से डरे नहीं, इसका फाइट करें। कोरोना महामारी भारत समेत दुनिया भर में महामारी का संकट जिस तरह से देखी जा रही है, इसे निपटने के लिए मेडिसिन के वैज्ञानिक लगातार खोजबीन चल रही है। वहीं पर भारत में लॉकडाउन 4 उसके बाद लॉकडाउन 2 अब चल रहा है, लेकिन क्या दिल्ली के लोग मुँह में मास्क लगाकर चल रहे हैं, इसकी जाँच पड़ताल आज सुबह टाइम्स लगातार कर रही है, गली गली और शहर शहर में। मैं आपको बता दूं, गौर करने की बात है और मेरी सीधी बात जनता से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लगातार हमारी रिपोर्टिंग जारी रहा, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग जो है कोरोना वायरस को लेकर लोग जागरूक हैं। आज मुंह में मास्क लगा कर जरूर चल रहे हैं, कितने जागरूक हैं आइए हम जानते हैं। जी, क्या नाम है जी, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर कुमार प्रजापति है। मैं बिहार से हूँ जी। आप जागरूकता है ना कोरोना के लेकर? बहुत जागरूकता हो गया। एक हफ्ते आप लगा रहे हैं कोरोना वायरस को स्पष्ट करना है, उसे मिटाना है पूरे विश्व से। इसलिए जो है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी लगातार जो है कोशिश लगे हुए, नज़र बनाए हुए। आइए हम जानते हैं कनॉट प्लेस से, जो कि यहाँ पे स्थानीय नागरिक हैं और दूर दराज से भी आए हुए जी। क्या बताना चाहते हो, कैसे भागेगा अपने देश से कोरोना? मास्क ला के रहे, सभी भाई से हम बोलना चाहते हैं कि मास्क ला के रखना और अपना खुद से अच्छे से रहे और स्वस्थ रहे, तो हमारे देश में आ ही नहीं सकता। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कौर पासवान है। आगे आ जाइए। क्या बताना चाहते हो? ये कोरोना वायरस है, मास्क लगा के रखना चाहिए। और कैसे लग रहा है सर मोदी जी का? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। चलो जी, मेरा नाम आगे आ जाओ जी। हाँ, फुटेज में कनॉट प्लेस से सीधी जनता से वार्तालाप कर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज हमारा देश कितना जाग रहा है और लोग जो है मास्क लगाकर जरूर चल रहे हैं। कोरोना महामारी से जीवन की हर एक रूप, आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोगों का आर्थिक स्थिति खराब हुई है। नौकरी पेशा और धंधा बिजनेस करने वाले लोगों को काफ़ी प्रभावित देखा जा सकता है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष 2020 लोगों का कहना है कि यह वर्ष अच्छा वर्ष नहीं है। इस वर्ष में मानव जातियों को काफ़ी नुकसान और जान माल की काफ़ी हानि देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी से जिस तरह से आज भारत समेत पूरी दुनिया में यह लड़ाई लड़ी जा रही है, इसे मानव ही लड़ सकते हैं और मानव के ऊपर जिस तरह से गरा आया है, इसे संभाल कर चलने की ज़रूरत है। तो मैं आपको लगातार हम अपनी वीडियो आप तक पहुँचाते रहे हैं। आप अपना ख्याल और देश का ख्याल जरूर करें। जय जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।